हाय फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कुकिंग में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमने ये तीन तीन से चार पैकेट हमने ये कॉफ़ी लिया हुआ है, नेस्कैफे की है ये हमारी। एक गिलास पानी और ये हमने एक मग लिया है। इसमें हम इसको फाड़ के और इसमें घोल बना के रेडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना कोल्ड कॉफ़ी। ये देखिए, इस तरह से हम पैकेट को फाड़ के इस मग में डालते जाएंगे कॉफ़ी के। जो हमारी कॉफ़ी है, ये देखिए, इस तरह से सारे जो पैकेट हैं उनकी फाड़ के कॉफ़ी हम इसमें मग में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमने इसमें मग में सारी कॉफ़ी निकाल ली है जो हमारे तीन से चार पैकेट थे। और इसमें हम चम्मच से पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये पानी है, पानी 2 चम्मच हमने ऐड किया है, ये तीसरा चम्मच। और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं अब इसमें। कब तक हमको फेंटना है? जब तक हमारे कॉफ़ी में झाग ना आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हमको चम्मच से फेंट लेना है इसको, जब तक कॉफ़ी हमारी अच्छे से झाग वाली ना हो जाए। और ये देखिए, हमने एक कटोरी चीनी ली है, ये एक गिलास हमारा पानी है। और इसको हम सीरा बनाएंगे पहले कॉफ़ी के लिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी चीनी घुल जाए अच्छे से। और बहुत ज़्यादा पानी हमको यूज़ नहीं करना है। आधा कप पानी हमने इसमें डाला है। और इसको हम अच्छे से एक घोल में चीनी को घोल लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा ये कॉफ़ी के लिए, कोल्ड कॉफ़ी के लिए सीरा हमारा रेडी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने 10 मिनट फेंट लिया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा कॉफ़ी बन के रेडी हो गया है। कितनी झाग है इसमें कि आप एकदम मार्केट वाली कॉफ़ी आप घर पे ही बना सकते हैं। और बाज़ार भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको अपने भी घरों में ट्राई करें। तो ये देखिए, हमारा तैयार हो गया। ये सीरा भी हमने एक कटोरी लिया है, इसको बना लिया है, ये भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी एकदम बढ़िया सी रेडी हो गई, सीरा सॉरी। और इसको अब हम इसी कॉफ़ी में मिला देते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और चीनी हमने 10 चम्मच लगभग ली है। और आप जितने ग्लास बना रहे हैं कॉफ़ी उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और इसको हम 5 मिनट थोड़ा सा और फेंट लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, हमने एक एक कप दोनों ग्लासों में दूध डाला हुआ है। और इसके बाद हम इसमें 2-2 चम्मच कॉफ़ी डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम थिक हमारा है झाग, एकदम बढ़िया झाग वाली कॉफ़ी आप घर में इंस्टेंट बना के आप पी सकते हैं। ये देखिए, और ये वनीला फ्लेवर की हमने आइसक्रीम मार्केट से लिए है। आप चाहें तो घर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास आइसक्रीम अवेलेबल हो तो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये मार्केट से मंगाया है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी इंस्टेंट कोल्ड कॉफ़ी जो आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं दोस्तों, बन के रेडी हो चुकी है। आप हमारी रेसिपी को आप अपने भी घरों में ट्राई करें। और एकदम सर्व करने के लिए हमारी कॉफ़ी रेडी है। आप इसको, कोई भी आया हो, फटाफट आप इसको बना के पिला सकते हैं। और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी हमारी बन के रेडी हुई है कॉफ़ी। तो दोस्तों, हमारी रेसिपी को भी ट्राई करें। हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।